राधा राधा राधा। कहाँ जा रही? समझ गया, तुम बिना किसी को बताए ये घर छोड़कर जाना चाहती हो। मेरे परिवार के गुस्से से, उनकी नफरत से बचना चाहती हो। राधा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने तो जो कुछ भी किया है मेरे परिवार की भलाई के लिए किया। और तुम्हें तो इस हालात में डाला गया था, फंसाया गया था। मैंने ही राधा, मैंने ही। लेकिन राधा, तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो इस तरह का इल्जाम सर पर लेकर घर छोड़कर चली जाए, बल्कि तुम तो उनमें से हो जो हालात का सामना करके अपने आप को निर्दोष साबित कर सकती है। प्लीज राधा, रुक जाओ। और मैं वादा करता हूं, इस प्रॉब्लम में मैंने ही तुम्हें फंसाया, तो मैं ही तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालू। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। हाँ राधा, हम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉरी चाचू, परेशान की बुआ, जल्दी आओ ना। ये तो नैया की आवाज है। एडी, एडी देखो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ एडी, देखो सब तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुम्हारे होश में आने की खुशी में। मलिष्का, आज तुम पीछे नहीं, एडी के सामने रहो। अरे दी, एडी आंखें खोल रहे। देखो देखो मलिष्का, मैं तुम्हारी मलिष्का को घर ले आई हूँ। एडी, एडी तुम खुश नहीं हो अपनी फियांसे को देखकर? एडी, ये कौन है?
देखो एडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया एडी, और जब से हमारी बात होते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, उस वक्त से मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जानता हूँ एडी कि ये मेरी गलती है, आई मीन हम सब की गलती है। मैं ये भी जानता हूँ एडी कि इस घर में तुम्हें नया सा लग रहा होगा। लेकिन उस वक्त तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि तुम्हें आउट ऑफ टाउन ले जाया जा सके। इस घर में, इस माहौल में तुम्हें नया नया लग रहा है ना एडी? लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं एडी। वी विल मेक यू कंफर्टेबल। आप कौन है? ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। कौन है ये? और आप? आप सब लोग कौन है? हैडी, हैडी, तुम शौर्य को नहीं पहचानते? तुम्हारा बड़ा भाई हैडी, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी दी, संघमित्र दी। हैडी तुम क्यों? एक मिनट दी, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, और मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि क्या गड़बड़ है। थैंक गॉड, यू आर ऑलवेज ग्रेट। हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं शौर्य शेरगिल बोल रहा हूँ। आप कौन है? ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। शौर्य जी, राधा, एडी, मैंने उन्हें दवाई दे दी है, अब वो सो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, गणपति बप्पा है ना हमारे साथ, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब एडी सर होश में आ गए हैं तो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। काश राधा, जो तुम कह रही हो वो सच हो। शौर्य जी, अब
जब एडी सर होश में आ ही गए हैं, हमें दी को सारी सच्चाई बताकर अब मुझे इस घर से जाना चाहिए। नहीं राधा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शौर्य जी, इससे पहले कि एडी सर सबको पहचाने लगे, हमारी सच्चाई बाहर आ जाए, ये बेहतर होगा कि हम ही जाकर। नहीं राधा, अभी वक्त सही नहीं। ती तो ऑलमोस्ट अपनी हंसी खो चुकी है। इस वक्त अगर उनके सर पर ये परेशानी डालेंगे तो सही नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं अंत तो करना ही होगा ना। हाँ राधा, इस बात का अंत तो करना ही पड़ेगा। दादा भाभी कैसे हैं? मस्त। दादा कैसा था गोवा? वहाँ के बीचेस, इट वाज फन, राइट? अरे अंकिता, उन्हें अंदर भी आने दोगी या यही सारे सवाल पूछ लोगी? अरे अरे अरे, खुश रहो। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। अंदर आओ। आज जी के लिए गणपति बप्पा की मैं यह तस्वीर लेके आया हूं। और आई आपके लिए ये साड़ी, राधा ताई की तरह। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और ये चंगू का? ये नहीं, ये मंगू का। और ये मंगू का? अपने लिए चने नहीं ले आए डाले? अरे मैं भूल सकता हूँ चने लाना, लेकिन मंदिरा नहीं। अरे वो पूरा सूटकेस चनों से ही तो भरा हुआ है। इतने सारे तुम्हारे अकेले के लिए? अरे नहीं भाई, मेरे साथ रहते रहते मंदिरा को भी चने खाने की आदत लग गई है। डार्लिंग, तुम मेरे लिए कुछ नहीं ले आए? वैसे भी मेरे बारे में सोचने के लिए फुर्सत कहाँ होगी तुम दोनों के पास? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे बारे में सोचे नहीं या तुम्हारे लिए कुछ ना लाए? तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। अरे ये क्या चीज है? बाइनोक्युलर्स ताक झांक में बहुत काम आते हैं। मुझे पता था कि तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगी। अरे मेघना, मंदिरा के कहने का मतलब है कि अगर तुम कहीं बाहर गई तो बड़े काम की चीज है ये। ऐसे आई, अरे वहां के क्या बीचेस हैं, मार्वलस बीचेस, वहां के चर्चेस, वहां का गीत संगीत, और तो और आई वहां की फेनी भी है। वैसे मेघना, तुम्हें भी वहां जरूर जाना चाहिए। मतलब मेघना ने कभी गोवा नहीं देखा? तुमने गोवा नहीं देखा? और वो होटल जहां हम रहे थे, तुमने वो होटल भी नहीं देखा? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ब्रोशर में तो मेघना ने होटल देखा होगा, गोवा देखा होगा। देखा है? ब्रोशर्स में सब कुछ देखा है, देखा है। देखा है मैंने गोवा। <गुआ। laughs>
हाय एडी। हाय। हाय। क्या नाम है आपका? याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर, ये हेडी इस तरह से क्यों? तुम्हें अपना नाम याद नहीं आ रहा है? कहाँ रहते हो तुम? मैंने पूछा, कहाँ रहते हो तुम? बताओ, कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहता हूँ मैं? हाँ बोलो। कोई रिलेटिव? किसी का चेहरा याद आ रहा है? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे साथ एक मिनट बाहर आइए। पर डॉक्टर, प्लीज कम। एक मिनट। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कुछ बात करना चाहते हो? बोलो एडी, बोलो, क्या बात है? आप कौन है?